आज हम बना रहे हैं मक्की के आटे की आटे का पराठा। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप आटा मक्की का। इसमें थोड़ा सा हरा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा छोटा सा टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 दरमियाने साइज का प्याज, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ी सी हरी मिर्च हरा धनिया है और 1 अंडा है और 1 चम्मच इसमें घी भी जाएगा, बाकी नमक मिर्च है मैं। ये वाले मैंने 2 कप आटे के लिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच ये सुरख मिर्चे, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच अजवाइन चम्मच और 1 से 2 चम्मच आयरन। अंडा, ये प्याज, पुदीना, हरी मिर्चे, हरा प्याज और ये टमाटर, सही। अब इसको पानी से गूंद लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी पानी नहीं डालेंगे, जब जरूरत होगी वहां पे डालेंगे। इसे बहुत ज्यादा नरम नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदते रहे। उसको इतना इसको बस इतना करके अच्छे से गूंद लें। जितना अच्छा मिक्स करेंगे, जितना अच्छा गूंदेंगे, इसकी रोटी इतनी अच्छी बनेगी। इसको गूंदना अच्छे से, इसमें अच्छे से मिक्स करना है। ये 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, इसको डाल के इसको बहुत तेज आंच पे नहीं बनाना, दरमियानी आंच पे बनाना है कि अंदर से पक जाए। ये तकरीबन 5 मिनट, ये देखें कितना प्यारा कलर, इसको साथ साथ ऐसे घुमाते जाए। आयल अभी मैंने बस वही 1 चम्मच डाला था जो पहले, अभी थोड़ा सा आयल डालेंगे और उसके अच्छे घुमाएंगे। वैसे आप चाय के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं।